पहुंचा। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। गेहूं की फसल में लगी आग, 2 एकड़ से अधिक जमीन में लगे फसल जलकर हुआ खाक। डंडई प्रखंड से मनदीप ठाकुर की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के महुडंड गांव स्थित गेहूं के खेत में लगे फसल में अचानक आग लग गई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा शोरगुल सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े, जिससे लक्ष्मण विश्वकर्मा एवं नाजिम अंसारी के खेत में लगे फसल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लगभग 2 एकड़ खेत में लगी गेहूं फसल नष्ट हो गया। आग की लपट इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना असंभव था, लेकिन किसी तरह से ग्रामीणों द्वारा कुछ फसल बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं बच सका। नाजिम अंसारी ने कहा कि फिर कर्ज लेकर गेहूं की खेती किया था, परंतु अब सब फसल जलकर राख हो गया है। उसने बताया कि मेरा फसल लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। लक्ष्मण विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि सिगरेट पीकर किसी ने लगे गेहूं के फसल में फेंक दिया, इसकी वजह से मेरा फसल जलकर खाक हो गया।